बिहार में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण के केसों में 13 गुना उछाल आया है। हालांकि अभी बिहार में ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज्यादा मामले सामने नहीं आए, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सतर्क है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही कोरोना संक्रमण को लेकर हाई लेवल बैठक करेगी। हो गया तो हम देखे हैं रात में देर से खबर मिला, यहाँ से तो सबको भेजा जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है, तो वैसे तो बात होनी चाहिए, इसलिए हमेशा सजग रहना है और इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। हमने तो ये भी अपने साथियों को कहा है और आज भी हम बुलाए हैं, शाम में हम बैठेंगे, इस पर हम सब चर्चा करेंगे। भाई जो बाहर भेजने से तो थोड़ा समय लगता है रिपोर्ट आने में, हम लोग यहीं पर इंतजाम कर लें ताकि तत्काल रिपोर्ट आ जाए, ये भी आज हम लोग बातचीत करेंगे ताकि देर न लगे। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे ना, फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम, आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं, और खास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो दो जगह, बाकी सब जगह लोग कॉन्शियस हैं, एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग करा रहे हैं। सर बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग कब शुरू होगी? जीनोम सीक्वेंसिंग कब शुरू होगी सर? दिल्ली जाना पड़ता है टेस्ट रिपोर्ट के लिए। नहीं वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि आज भी बैठेंगे कि हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, तो आज हम लोग बैठने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाज सुधार अभियान को लेकर विपक्ष के आरोप का जवाब भी दिया। नीतीश बाबू ने समाज सुधार यात्रा को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाना उनका लक्ष्य है। नीतीश बाबू ने कहा कि विपक्ष के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। आप जो अभी पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो आप तो समझ रहे हैं कि समाज सुधार अभियान का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन कौन क्या बोलता है इस पर ध्यान देने की मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहूँगा कि आप मीडिया के लोग हैं, कृपा करके इसका जो प्रभाव है उसको आप असेसमेंट करिए कि हम लोग जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे नशा मुक्त। समाज सुधार अभियान को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा था। तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री को पहले सरकारी सिस्टम में सुधार करना चाहिए, लेकिन नीतीश बाबू पर विपक्ष के जुबानी हमले का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।